24 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर उन्हें कंटिन्यूड बेसिस पिछले एक हफ्ते से हम एक्टिव केसेस में कमी नोट कर रहे हैं। ओवरऑल देश में जो रिकवरीज हैं दे आर एक्सीडिंग नाउ द नंबर ऑफ ओवरऑल केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस। जैसे कि हम देखते हैं कि आज जैसे 211,000 के करीब केस देश में रिपोर्ट हुए हैं तो रिकवरीज 283,000 के करीब रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि 71,000 रिकवरीज देश में पिछले 24 घंटे में विजावी न्यू केसेस रिपोर्ट की गई है। 23 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी जो रिपोर्टेड केसेस हैं डेली बेसिस पर उनसे अधिक है। और हम ये भी देखते हैं कि रिकवर्ड केसेस जो पिछले 14 दिनों से ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस हम पा रहे हैं कि देश में रिकवरीज आर मोर देन द केसेस बीइंग रिपोर्टेड। इसी के साथ अगर आप देखें कि रिकवरी रेट में कैसे बढ़ोतरी हो रही है तो जहां एक स्थाई पर देश में रिकवरी 81.8% 3 मई को नोट की गई थी वह बढ़ते बढ़ते 18 मई को 85.6% और हम देश में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी रिकवरी परसेंटेज अब बढ़कर 90% हो गई है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। जरूरत है कि हम इसी स्थाई से अपने होम आइसोलेशन केसेस और वह केसेस जो हॉस्पिटल में उनको मॉनिटर करते रहें। अब हमने पिछले 26 मई को 22 लाख जो कि अब तक का देश में सबसे अधिक टेस्ट हैं, 22,17,000 टेस्ट 2 दिन पहले देश में हुए। ऑन एन एवरेज पिछले 9 दिनों से देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट डेली बेसिस पर किए जा रहे हैं।